Running an online SPSS, most important thing for this is to entering data into SPSS. Even for one-way and two-way ANOVA, factorial ANOVA, data entry technique is entirely different. और मज़े की बात मैं बताती हूँ कि अभी पीछे रिसेंटली अभी मैंने लैब कंडक्ट की और स्टूडेंट्स को मैंने डेटा दिया कि गो एंड रन टू वे नोवा एंड कैन यू इमेजिन कि 70% पीपल डिड नॉट एंटर द डेटा करेक्टली और उन्होंने वही कॉलम्स में डाल दिए और वो ऑफ कोर्स फिर उनका सोल्यूशन भी ठीक नहीं था. सो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप एंड एंटर द डेटा एंड देन रन द नोवा इन SPSS. तो हमारे पास एग्जाम्पल वही है जो हमारे पीछे भी बात की है कि टाइपिंग परफॉर्मेंस एट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. अब हमारे पास पांच पार्टिसिपेंट थे इन ईच ग्रुप. वी हैड थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीबोर्ड्स इन टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स विद 5 पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप. और जो हमारे स्कोर्स थे कॉलम्स के अंदर दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एरर. तो लेसर स्कोर का मतलब बेहतर परफॉर्मेंस है यानी वो कम एरर्स हैं. तो लेट्स एंटर द डेटा. दिस इज़ SPSS शीट. आपने आपका डिपेंडेंट वेरिएबल टाइपिंग परफॉर्मेंस है, याद रखें. तो टाइपिंग परफॉर्मेंस एक वेरिएबल है और वो तीनों ग्रुप्स के लिए टाइपिंग परफॉर्मेंस है. तो ऑल द स्कोर्स विल कम इन वन कॉलम विच विल बी नेम्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच विल बी योर टाइपिंग परफॉर्मेंस. तो हमारे पास स्कोर्स जो थे वो पिछले टेबल में इस तरह थे 0, 4, 0, 1, 0. और फिर जो हमारे दूसरे ग्रुप के स्कोर्स थे वो थे 6, 8, 5, 4, 2. और जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज़ कर रहे थे देयर स्कोर्स वर 6, 5, 9, 4 एंड 6. तो टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स थे. अब हमने यहाँ पे जाके उनका जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ अ टाइप ऑफ कीबोर्ड, पहले पांच हमारा टाइप ए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आपने उनको ग्रुप वन कर दिया, दे आर यूजिंग टाइप ए कीबोर्ड. अगले पांच हमारे टाइप बी कर रहे हैं और अगले पांच हमारे टाइप सी वाला कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमने डेटा टोटल एंटर कर दिया. आपने देखा हमारे पास तीन कॉलम्स में डेटा था बट वी एंटर्ड एज अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यू विल गो टू वेरिएबल व्यू, यू विल टाइप द नेम्स हेयर विच इज टाइपिंग परफॉर्मेंस और कोई भी नाम रख लें और इधर हमारा रखें कीबोर्ड. अब चूंकि हमारा जो कीबोर्ड है हमारा वो नॉमिनल स्केल के ऊपर आएगा क्योंकि वो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे आप जाके वैल्यूज़ के अंदर उसको बताएंगे कि वन का मतलब क्या है. वन का मतलब है टाइप ए कीबोर्ड. टाइप ए इसको ऐड करेंगे. टू का मतलब है टाइप बी और थ्री का मतलब है टाइप सी. यू हैव टू टेल एवरीथिंग टू कंप्यूटर सो ही नोज कि किसका मतलब क्या है. ओके करेंगे, ऐड करेंगे. ये हमारा जो है टाइपिंग परफॉर्मेंस हमारा को स्केल वेरिएबल है विच इज़ अ इंटरवल स्केल वेरिएबल. और आपके उसमें ऑलरेडी हमने ये बात की हुई है कि बाय डिफॉल्ट इस तरह के ऑप्शंस हैं और इनको रहने दें. तो आप डेटा व्यू में आएंगे, हमारे नाम आ गए हैं. वी विल गो टू एनालाइज मेन्यू, वी विल गो टू कंपेयर मीन्स एंड देन वी विल गो टू वन वे एनोवा. ये मैंने पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप अभी आपके लिए अगले लेक्चर में सेव किया हुआ है ताकि अगर कहीं भी आपको भूले यू कैन गो बैक एंड सीख हमने कैसे किया. तो वन वे नोवा के अंदर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम फैक्टर कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया. तो हम अपने फैक्टर को यहाँ भेज देंगे और जो हमारा टाइपिंग स्पीड है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइपिंग परफॉर्मेंस को यहाँ भेज देंगे. इसके अंदर पोस्ट हॉक हम जाएंगे और मैंने आपको बताया कि टू की इज़ मोस्ट वाइडली यूज एंड आई लाइक इट, तो जस्ट कंटिन्यू. उसके बाद ऑप्शंस में आप इसके डिस्क्रिप्टिव ज़रूर कर लें, इसके होमोजेनाइटी और वेरिएंस टेस्ट ज़रूर कर लें और ब्राउन फोरशे और वेल्चे टेस्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी होमोजेनाइटी और वेरिएंस की अजम्पशन मीट ना हो तो फिर हम ये वाली वैल्यू रिपोर्ट करते हैं. वी कैन कैलकुलेट दीज टू ईदर वे बट वी विल यूज़ एनोवा वैल्यू इफ़ द होमोजेनाइटी का हमारा अजम्पशन मीट हो जाता. आप इसमें मीन्स प्लॉट भी
चेक कर सकते हैं और वो तीनों ग्रुप का आपको एक प्लॉट बना देगा कि एवरेज गलतियाँ कितनी हैं तीनों टाइपिंग कीबोर्ड्स के ऊपर। कंटिन्यू कर लें, बूट स्ट्रैपिंग की ज़रूरत नहीं है, कंट्रास्ट भी बाद में बात करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। सो फार यू नीड ओनली दीज थिंग्स, ओके कर दें और हमारे पास आउटपुट फाइल इस तरह की आ जाए। तो पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव यू नो कि मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, लोअर और अपर बाउंड, और आपका मिनिमम और मैक्सिमम। तो टाइप ए के ऊपर आपकी 0 से 4 तक हैं, टाइप बी के ऊपर आपकी 2 से 8 तक गलतियां हैं, टाइप सी में आपकी 4 से 9 तक मिस्टेक्स हैं, और टोटल उन्होंने एवरेज भी आपको कैलकुलेट किया हुआ है। अगर सिर्फ आप मीन्स को एक्सपेक्ट करें तो यू कैन सी कि देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3, जबकि बी और सी टाइपिंग बोर्ड के दरमियान कोई इतना फ़र्क नहीं है, उनका मीन 5 और 6 है। तो टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी बिल्कुल लेविंस टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वट वी वॉन्ट टू सी हेयर दैट इट शुड बी नॉन सिग्निफिकेंट, और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो एस आई जी वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.05, एंड येस इट इज़ ग्रेटर देन 0.05, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट विच इज़ एम्प्लॉइंग के द वेरियंस अक्रॉस ग्रुप्स इज इक्वल, यानी नल हाइपोथेसिस जहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे वेल्चे और ब्राउन फोर्शे की वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी फुलफिल द एजम्पशन ऑफ होमोजेनाइटी हियर। ये हमारा मेन एनोवा टेबल है, और आपको दिखाया था हमने पहले जब मैनुअली कैलकुलेट किया था कि हमने बिटवीन ग्रुप एसएस निकाला, बिटवीन ग्रुप की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाला और फिर 70/2 किया तो हमारे पास वेरियंस फॉर बिटवीन ग्रुप आ गया, जिसको मीन स्क्वायर कहता है एसपीएसएस। इसी तरह हमने विद इन ग्रुप वेरियंस निकाला, सम ऑफ स्क्वायर निकाला फॉर वैल्यूज एंड देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड देन वी कैलकुलेटेड मीन स्क्वायर विच इज़ वेरियंस फॉर विद इन ग्रुप, और फिर एफ रेशो इज बिटवीन वेरियंस डिवाइडेड बाई विद इन वेरियंस विच इज़ 35/3.83 विच इज़ इक्वल टू 9.13, और वेन वी कंपेयर इट विद द टेबल वैल्यू गिवन इट इज़ सिग्निफिकेंट, वैल्यू इज smaller than 0.05, so the results are significant, which means that at least two means are, yeah, two groups are different significantly from the other group. और ये हमें आगे post hoc test बताएगा कि किस test में group में significant difference है। ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अब अगर हमारी वो value significant ना हो तो फिर हम इसको Welch और Brown Forte test जाके इसकी values calculate करते हैं। तो पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी ये एस्ट्रिक की वैल्यू डली होगी वो उसका मतलब है कि वो ग्रुप सिग्निफिकेंट है। तो ग्रुप ए इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम बी, एंड ग्रुप ए और सी की परफॉर्मेंस भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, जबकि आपकी ग्रुप बी और सी की, यानी टाइपिंग स्पीड जो आपका टाइपिंग बोर्ड की बोर्ड बी और सी है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ग्रुप वन जो है वो सिग्निफिकेंटली बेहतर है, या उनका कीबोर्ड बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो बी टाइप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं या जो सी टाइप यूज़ कर रहे हैं। या आपका होमोजेनाइटी टेस्ट 2 की इसकी वैल्यूज़ बेसिकली ये प्लॉट कैलकुलेट करने के लिए है, पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए में गलतियाँ बहुत कम हैं, जबकि टाइप बी जो यूज़ कर रहे हैं उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा हैं और इनकी उससे भी ज़्यादा हैं। सो इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइपिंग परफॉर्मेंस ऑफ द 3 groups using 3 different type of keyboards. So you see, within few seconds we calculated each value, and now we know which value is telling us what and how we gonna calculate. हाँ, इसमें एक बात है कि इसमें इफेक्ट साइज डायरेक्टली वो कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि अगर आप टोटल बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करें टोटल सम ऑफ स्क्वायर के साथ तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। अब हमारे पास एनोवा टेबल के अंदर हमें एस एस की वैल्यू दी हुई है, अगर हम 70 को डिवाइड करें 46 के ऊपर, 70 को 115 पे डिवाइड करें तो बिटवीन एस एस डिवाइडेड बाय टोटल एस एस यू कैन सी कि हमारा कितने परसेंट वेरियंस, इफेक्ट साइज या मैग्नीट्यूड कितना है। तो टू सी द इफेक्ट साइज एक्चुअली ये खुद से कैलकुलेट नहीं करेगा, आप इसके अंदर खुद से इसकी बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर दें टोटल सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू से, यानी 70/116, तो आपको वो इफेक्ट साइज या मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट पता चल जाएगी कि कितने परसेंट वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम योर बिटवीन ग्रुप या बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेटेड वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल।
So we have done this data in SPSS and calculated it for your ease and for your understanding. इसका मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया इस तरह का जो कि विजुअली आपको हर चीज़ बताएगा स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया है. तो पहले पे हमने एंटर किया है डेटा, हमने वही सारे लेवल्स दिए हैं. उसके बाद हमने 1, 2, 3 असाइन किया कीबोर्ड टाइप ए बी सी. उसके बाद हमने उसको डेटा SPSS में डाला है इस तरह करके कि उसको हमने ग्रुपिंग 1, 2, 3 कर दी है. उसके बाद हमने एनालाइज पे जाके कंपेयर मींस में जाके हमने वन वे नोवा को पिक किया, हमने उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को उनकी प्लेस के ऊपर सेंड किया. उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव्स स्टैटिस्टिक्स में जाके डिस्क्रिप्टिव्स में जाके हमने ये सारी चीज़ें चेक की. और उसके बाद हमने पोस्ट हॉक में जाके हमने टू की टेस्ट सेलेक्ट किया और फिर हमने उसके बाद प्लॉट को भी चेक किया. एंड दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली डन. सो दिस इज़ फॉर यू, सो यू कैन कीप इट एंड व्हेनेवर यू वांट टू रन यू नो स्टेप बाय स्टेप व्हाट वी डिड एंड हाउ वी डिड.